नहीं है, कल शायद आ जाएगी, कल चले जाएगी, लेकिन बगल में ही दफ्तर होता तो कभी भी जा सकते हैं, टेंशन का बात नहीं है। ऐसे भी हमको लग रहा है कि शायद वो घूमते घूमते रोज अंदर उधर चले ही जाए, बिना बर्डर से ही चले जा सकते हैं, वो कर लेंगे। तो जो भी लीडर साथी को बोलने का मौका देता है खुला शब्द है, वो शाम को हम लोग रखेंगे। आपने जो तैयारी करी है, आपने जो बोलना था, समुदाय के जो लीडर है, जो आए हुए हैं अपने संगठनों के लीडर, उनको शाम में हम खुला शब्द एक रखेंगे यहाँ पे, जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं वो रिमाइंडर के तौर पर। तो ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम ही और चंदन भाई बात करते रहेंगे, आप लोग ही बात करेंगे। अभी से ही ये मंच आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप लोग स्टेट वाइज इकट्ठा हो और अपनी बात रखना शुरू करें, ठीक है? थैंक यू। तो स्टेट वाइज इकट्ठा होते हैं अगले घंटे तक। टाइमिंग ये रहेगा कि 12-11 होगा, 1 बजे तक इसको करते हैं, उसके बाद फिर आगे मिलेंगे, लंच करेंगे, उस बाद फिर वापस आएंगे। थैंक यू। ये आ जाओ ना, यही बैठ जाते, यही बैठ जाओ, यही बैठ जाओ। तो कार्यशाला अलग चरम पे है और अब सभी स्टेटों के जो मुद्दे हैं उनको चिन्हित किए जाएंगे। वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है, काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन पर सभी जन संगठन अपने अपने राज्य पर मंथन करेंगे, चिन्हित करेंगे उन मुद्दों को और फिर प्रेजेंट करेंगे। देखते हैं क्या कुछ मुद्दे इस वर्कशॉप में, इस कॉन्फ्रेंस में निकल के आते हैं। और आज कार्यशाला का दूसरा दिन है और आप देखें कि तो वर्किंग पीपल चार्टर, युवा जनमंच और सभी जन संगठनों के सहयोग से ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। दिल्ली के राजा राम मोहन राय इस सभागार में मौजूद है। सभी अपने राज्यों पर मंथन और चिंतन करेंगे और उन मजदूर मुद्दों को बाहर निकालेंगे जिन पर काम करने की आवश्यकता है, जिस पर काम किया जा रहा है।